हाय फ्रेंड्स, कुकपित इंडियन टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तोरई की सब्जी बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिस तरीके से गांव में बनते हैं ना, देसी अंदाज में बहुत टेस्टी लगेगा। इसे आप रोटी या चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे ली है फ्रेश तोरी, एकदम से हरा हरा और कच्चा तोरी है। इसे हमने पहले से छील के रखा है, तो एक तोरी मैं आपको छील करके दिखा देती हूँ। हल्के हाथों से छीलना है, आप चाहे तो चाकू से पतला स्किन भी निकाल सकते हो। तो बस हमने तोरी छील लिया है, इसके बाद तोरई को ना हम धो लेंगे। तो सारे तोरई को धो लेंगे। अब हम इसे छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे पीछे का हिस्सा कट करके निकाल लेंगे। और देखिए, ये तोरी कितना कच्चा है, हरा हरा है, और ये फ्रेश तोरी है। फ्रेश सब्जी से अगर हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी बनती है। गांव में तो हर चीज़ खेत से तोड़ के ही लाते हैं, तो उसमें बस कोई मसाला भी नहीं डलता है, बस हल्दी नमक डलता है और सब्जी इतना टेस्टी बन जाता है। तो देखिए, तड़के के लिए लिया है 2 लाल मिर्च, जीरा और तेज़पत्ता, बस इतना ही तड़का में डालना है। तो यहाँ पर तेल हमने 1.5 चम्मच गर्म कर लिया है। तेल गरम होने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लिया है तेल को, तो इसमें डाल दिया हमने तड़का। तड़का को धीमी आंच पे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक लाल मिर्च का कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक। लाल मिर्च से सब्जी में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसीलिए 1 से 2 लाल मिर्च ज़रूर डालना। जैसे ये तड़का फ्राई हो गया, कलर चेंज हो गया, तो इसमें डाल देंगे ये 2 से 3 बारीक कट करके लहसुन के कलियाँ। किसी किसी को ना लहसुन इस तरीके से कटा हुआ पसंद नहीं आता है, तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हो। लहसुन का कलर चेंज होने के बाद इसमें डाल दिया 1 छोटा सा प्याज। प्याज को लाइट गोल्डन कलर होने देंगे, तो आंच को धीमी कर देते हैं। धीमी आंच पे ये प्याज अपना कलर चेंज करता रहेगा, अच्छे से पकता रहेगा। तब तक मैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज के टमाटर है और 1 छोटा सा टमाटर लिया है, तो इसको बस वैसे मैं कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसे ना घी या कस के सहायता से घिस भी सकते हो। और इसका बीज वाला हिस्सा ये हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए, प्याज हमारा फ्राई हो गया है। इससे ज़्यादा प्याज को हम फ्राई नहीं करेंगे। इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर या फिर किचन किंग मसाला। आप चाहे तो 1/2 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, पर मैं कोई भी सब्ज़ी में ना ज़्यादातर धनिया का पाउडर नहीं डालती हूँ, फ्रेश धनिया ही डाल देती हूँ। इसमें डाल दिया है कटे हुए टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्च। मसाला आप जितना कम खाओ उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो बस हम इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसी टाइम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, तो नमक थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि तोरी गल करके थोड़ा सा हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक डाल करके एक बार मिक्स कर लेते हैं। और आज इस टाइम हमने धीमी से थोड़ा सा बढ़ा रखा है। मिक्स कर लिया, अच्छे से नमक मिक्स हो गया। ढक्कन बंद करके धीमी आंच पे हमने 4 से 5 मिनट के लिए टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लिया है। तो ये देखिए, हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे पलटा के सहायता से कुछ इस तरीके से मिक्स करेंगे कुचलते हुए, तो ये ना पेस्ट जैसा बन जाएगा और तेल भी दिखने लगेगा। 2 से 3 मिनट तक इसे भूनना है। तो देखिए, टमाटर का ना पानी सूख गया है और तेल ऊपर छिटकने लग गया। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये कटे हुए तोरी। तोरी डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स किया, कढ़ाई भर गया है और ये बाद में बहुत गल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 1 चुटकी नमक ऊपर से छिड़क देंगे। अभी मिक्स करने में नहीं बन रहा है, नमक हमने ऊपर छिड़क दिया, तो ये जल्दी से पानी छोड़ देगा, गल जाएगा। तो ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट तक तेज आंच पे पकाया है। तो हमारे हस्बैंड को है आलू तोरी में खाना पसंद, तो मैंने 1 आलू डाल दिया था ऊपर में, जैसे कि आपने देखा। इसे मिक्स कर लेते हैं, तो देखिए कम हो गया ना। तो चलिए, अच्छे से मसाले में इसे मिक्स कर लेंगे। बस ये मिक्स हो गया है। अब हम इकट्ठा कर लेते हैं सारे तोरी को।
और देखिए पानी भी छोड़ दिया है हमने, ऊपर से पानी नहीं डाला है। अब ढक्कन बंद करके धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट तक पका लिया था, तो तोरी और आलू दोनों पक गया है, पानी और अच्छे से छोड़ दिया। आप चाहे तो इस पानी को सुखा भी सकते हो, पर ऐसा ठीक है, ठंडा होने के बाद ये ना और ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा धनिया का पत्तियाँ डाल दिया, मिक्स कर लेंगे। बस इसे आप गर्मा गर्म परोसिए, रोटी चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। सब्जी तो हमने सिंपल बनाया है, पर खाने में सच में बहुत टेस्टी लगी थी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना और नीचे कमेंट करके बताना आपकी सब्जी कैसी बनी थी। फिर मिलते हैं इसी तरीके के न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय।